नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक नई भर्ती लेकर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी वैकेंसी ओपन हुई है, जिसकी जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है, वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी कैंडिडेट्स को इसके बारे में जानकारी मिले, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल का वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी ओपन हुई है आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ मैं। ये देख सकते हैं लास्ट वाली जो वैकेंसी है 65 नंबर की VSFL/No.3/PERS Recruitment 2018/5867 एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ SMT वर्कशॉप इन BSF 2018-19 26 जून 2018 को ये पब्लिश हुई थी। तो आप देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ आगे। तो दोस्तों ये PDF आप लोग को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF आपको मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये वर्कशॉप में के लिए वैकेंसी ओपन हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो आप देख सकते हैं BSF विल होल्ड एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट टू मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप कैडर इन BSF फॉर द ईयर 2018-19 देख सकते हैं आप। चलिए आपको पहले पोस्ट के बारे में जानकारी दे देते हैं। देख सकते हैं आप ये जो पोस्ट एंड ट्रेड है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटी व्हीकल मैकेनिक, सिटी ऑटो इलेक्ट्रिशियन, सिटी वेल्डर, टर्नर, कारपेंटर, स्टोर कीपर, पेंटर, वल्कनाइज और ऑपरेटर टायर रिपेयर प्लांट। और एक ये वैकेंसी छूट गई है दोस्तों अप होल्स्टर के लिए ये, और टोटल 11 पोस्ट के लिए वैकेंसी ओपन हुई है, फिटर के लिए और ब्लैक स्मिथी और टिन स्मिथ के लिए टोटल 207 वैकेंसी ओपन हुई है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। आप लोग देख सकते हैं अपने अपने पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, PDF में आप लोग देख दीजिएगा, PDF का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, PDF डाउनलोड करके अच्छी तरह से PDF रीड करिएगा और ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो चलिए आपको फॉर्म के बारे में जानकारी दे देते हैं दोस्तों। इसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फॉर्म का जो लास्ट डेट है वह 23 जुलाई है लास्ट डेट, जब ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है तो उसके पब्लिश होने के 30 दिन तक इसका लास्ट डेट रहता है। फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करना है, ऑफलाइन फॉर्म है ये। इसमें जो आपको फॉर्म जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। फ़ीस आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी कि आप पोस्ट ऑफिस से 100 रुपये का IPO बनवाएंगे या डिमांड ड्राफ्ट बैंक से जाकर ड्राफ्ट 100 रुपये का बनवा सकते हैं, दो माध्यम से आप फ़ीस जमा कर सकते हैं इसमें। ऑफलाइन फ़ीस के साथ ये IPO या DD आप उसमें डाल करके भेजेंगे। उसके बाद आपको इसमें और बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें योग्यता रखी गई है वो कांस्टेबल टेक्निकल के लिए ग्रुप सी पोस्ट है ये, मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, और तो आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में, आप जिस भी ट्रेड से भरना चाहते हैं उस ट्रेड का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो आपको मिनिमम 3 साल का वर्कशॉप उस क्षेत्र में, आप जिस भी ट्रेड से हैं उस ट्रेड में आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इसकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 ईयर एज रखी गई है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी जो रिजर्वेशन मिलता है वो आप लोग को मिलेगा जो जिस कैटेगरी में आते हैं OBC SC ST एक्स सर्विस मैन के लिए, जो भी है वो आपको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद हम आपको बता देना चाहते हैं फॉर्म टोटल जो आप अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे वह आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड करके एनवलप में आपको टोटल सर्टिफिकेट डालना होगा, जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड। हाइट इसमें 1.65 रखी गई है, चेस्ट 75 सेंटीमीटर प्लस आपको 5 सेंटीमीटर जो आपका चेस्ट होता है वो उसको एक्सपेंस करना पड़ता है, फुलाना पड़ता है वो फिजिकल के टाइम। उसके बाद आप देख सकते हैं वेट आपके हाइट के हिसाब से रहेगा,
जितनी आपकी हाइट रहेगी। उसके बाद ये देख सकते हैं जो स्पेशल हैं जैसे मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम उनके लिए अलग दिया गया है इसमें, वो देख सकते हैं। अपना फीमेल के लिए एक 157 हाइट रखी गई है, बाकी और लोगों के लिए भी इसमें देख सकते हैं आप जो आरक्षण है वो उनके हिसाब से उनका मैनेज किया गया है, तो आप देख सकते हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है आई का, आई देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको चलिए लेकर चलते हैं, ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है, आपका फॉर्म किस संबंध में रिजेक्ट किया जा सकता है उसमें है, आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बता देते हैं आपको। रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क का होगा, OMR बेस्ड आंसर शीट यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड से 100 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन होगा। उसमें आपको द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एट द सिलेक्शन सेंटर, देयर विल बी वन कंपोजिट पेपर बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा या ITI और एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड ऑफ टेक्नीशियन फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का पेपर होगा और आपके रिलेवेंट जो भी ट्रेड होंगे उसी ट्रेड से आपके क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल और OBC के लिए 35%, SC ST कैटेगरी के लिए 33% आपका रहेगा। सेकेंड फेस एग्जामिनेशन के लिए आपको 35% जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए 33% लाना होगा। उसके बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकेंड फेस, जो रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा उन्हीं को सेकेंड फेस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड फेस में आपका जो होगा वो फिजिकल का मेजरमेंट होगा, जैसे हाइट, चेस्ट, ये सब। उसके बाद आपको दौड़ है आपकी 3 किलोमीटर और 200 मीटर, यानी 3.2 किलोमीटर 17 मिनट में आपको दौड़ करना है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा 9 मिनट के लिए। उसके बाद आपको अपने ट्रेड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ट्रेड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि बॉडी चेकअप, आई, ये सब आपका टोटल चेक करेंगे ये लोग। उसके बाद आपको जो पेमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, जो फीस पेमेंट करना है, द मेल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द रिक्रूटमेंट शुड इनक्लोज, या तो पोस्टल ऑर्डर आप बनवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, या बैंक से ड्राफ्ट बनवा सकते हैं आप 100 रुपीज़ का। और दियर इज़ नो एग्जामिनेशन फी फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स, महिलाओं के लिए और भूतपूर्व जो कर्मचारी हैं उनके लिए और SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा। फीस पेड बाई मोड अदर दैन IPO और बॉन्ड, यही 2 माध्यम हैं, IPO या तो आप पोस्ट ऑफिस से फीस जमा कर सकते हैं या बैंक ड्राफ्ट बनवा कर फीस जमा कर सकते हैं, ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। अप्लाई क्या करना है आपको देख सकते हैं आप जिस सेंटर से अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपको सेंटर सूटेबल लगता है वह सेंटर आप चॉइस करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेंटर देख सकते हैं जम्मू है, जालंधर है, जोधपुर, गांधीनगर, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, हज़ारीबाग, अगरतला, श्रीनगर, ये सेंटर रखे गए हैं। आप जिस सेंटर में भरेंगे फॉर्म अपना, उस सेंटर के एड्रेस पे ही आप अपना फॉर्म भेजेंगे, और ये जो IPO/B मतलब जो बॉन्ड बनवाना है आपको, बैंक ड्राफ्ट जो बनवाना है प्रिपेयर्ड इन फेवर, आप इन्हीं के फेवर में आपको बनवाना पड़ेगा। आप जिस सेंटर पे भेजेंगे, जैसे मान लीजिए आपने जम्मू फॉर्म भेजा, तो आप जम्मू के एड्रेस पे भेजेंगे, जो एड्रेस दिया है देखिए यहाँ पे लिखा है टू होम अप्लीकेशन वी सेंड द इंस्पेक्टर जनरल, यहाँ पे दिया है FTR हेडक्वार्टर जम्मू BSF पोलोरा कैंप जम्मू J&K और पिन कोड दिया है। उसके बाद जो आप बैंक ड्राफ्ट या IPO बनवाएंगे वो IGBSF जम्मू SBI जम्मू कोड नंबर 0657 के फेवर में ही बनवाएंगे आप, तो आप इस ये गलती मत करिएगा। आप जहाँ फॉर्म भेजेंगे उन्हीं के फेवर में अपना बैंक ड्राफ्ट या IPO बनवाएंगे। उसके बाद आपको 2 एनवलेप भी डालना है छोटा छोटा, जो साइज होगा 25x12 का साइज का, जो अंदर अपने फॉर्म में 2 एनवलेप भेजेंगे आप छोटा छोटा, जिस पे दोनों एनवलेप पे 27-27 रुपये का टिकट चिपका कर भेजिएगा आप। और जो बड़ा वाला लिफाफा होगा जिसमें आपने सारा डॉक्यूमेंट और जो फॉर्म डालेंगे आप, वो उसके ऊपर आप मोटे अक्षरों में लिखेंगे अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्नीशियन टेक्निकल इन BSF फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप कैडर 2018-19, ये बड़े अक्षरों में लिखकर ही भेजेंगे आप। उसके बाद आप ये कैटेगरी पढ़ लीजिएगा जो भी इंस्ट्रक्शन है आप, और आपको कोई भी अगर असुविधा होती है तो आप कमेंट करिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप तुरंत रिप्लाई कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा।
तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं दोस्तों। एक बार और बता देना चाहता हूँ, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो डेली सेल्फ अटेस्टेड होगा, इसमें दे रखा है। 1 एक तो आपको फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाना होगा और एक एडमिट कार्ड पे चिपकाना होगा। 100 रुपीज़ का फीस है, IPO और या बैंक ड्राफ्ट से आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप मेट्रिकुलेशन, हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी हो आपका सारा प्रूफ ऑफ एज जो भी आप लगाएंगे उसमें, वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप स्टैम्प वर्थ ₹27 ईच, प्रत्येक पे ₹27 का टिकट होना चाहिए। 2 सेल्फ एड्रेस, जो आप एनवेलप अंदर डालेंगे उस एनवेलप में अपना पूरा एड्रेस डालेंगे अपना नाम सहित, और ₹27 का टिकट भी उस पर रखेंगे। आप अप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड ड्यूली फिल्ड अप एंड साइन बाई रिस्पेक्टिव कैंडिडेट, अप्लीकेशन पे और एडमिट कार्ड ड्यूली सेल्फ फिल्ड होना चाहिए आपके ही द्वारा, और साइन भी उस पर करना है आपको अपना, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ जो फॉर्म है, वो फॉर्म भी इसी में है। मैं आपको ये PDF का लिंक दे दूँगा, लिंक डाउनलोड करके आप इसमें से फॉर्म निकाल करके ऑफलाइन फॉर्म भेज दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्म है, देख सकते हैं आप, इसमें फॉर्म दिया गया है दोस्तों, देखिए ये है फॉर्म आपका, ये आपको अपने हाथों से भरकर भेजना है, देख सकते हैं आप, ये फॉर्म है। नीचे एक एडमिट कार्ड है, ये भी आपको भी भर के भेजना है। नीचे भी फॉर्म है, तो ये आपके लिए नहीं है, ये जो लोग फॉर्म फॉर द सर्टिफिकेट टू प्रोसीड ए कैंडिडेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम बिलोंग शेड्यूल कास्ट, ये SC ST कार्ड के लिए है, जो SC ST कैंडिडेट होंगे उनको ये भर के भेजना होगा। तो आपको मैं ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके और फॉर्म निकाल के प्रिंट आउट और अपना फॉर्म भेज दीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी आपको असुविधा होती है तो मैं कमेंट करिएगा, आपको ज़रूर सहायता की जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।